जल्दी ज्वाइन हो गया तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं।
गाइस जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ, जिसका भी जो भी मिस हुआ है डोंट वरी, यू नो पोस्ट मैं जब कर दूंगी वीडियो तो आप डेफिनेटली उसको स्टार्टिंग से देख सकते हो। इन केस अगर आपको चाहिए तो मैं जो क्रीम चीज का लिंक है आपको अमेजोन पे भी इनफैक्ट डिस्काउंट पे मिल जाएगा, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑलवेज बाय फ्रॉम अमेजोन, या आप डेलेक्ट्रा चीज है वो आपके कहीं पे भी जो बेकिंग शॉप है वहां आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी अपनी क्रीम में चीज मिलाया है बिकॉज मुझे साइज में जो है ना वो नहीं चाहिए। आज हम बनाने की कोशिश करेंगे टॉल केक, अ लिटिल टॉल केक, नॉट टू बिग टू लॉन्ग, बट यस आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है विद राइस पेपर डेकोरेशंस वो हम देखेंगे। तो गाइस दिस इज अ मिनी केक, ठीक है, मैं एक छोटा मिनी केक एज पर माय ऑर्डर I'm doing it। कुछ भी जो भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट में डाल देना, सिंस मैं अभी यू नो केक केस में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, आई कैन नॉट सी ऑल योर कमेंट्स, बट डेफिनेटली आई विल रिवर्ट बैक वंस द लाइफ इज ओवर। नाउ गाइस ये जो लेफ्ट आउट जो हमारा चीज फ्रॉस्टिंग है इक्वली इसमें आपको अगर ज्यादा क्रीम डालना है बिकॉज ये समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि आपके क्लाइंट का भी रिक्वेस्ट होता है, सम पीपल डोंट लाइक टू मच ऑफ क्रीम, तो यू नो सम लाइक मोर ऑफ स्पॉन्ज, तो अकॉर्डिंगली हमें कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है, दैट्स द रीजन मैंने ज्यादा क्रीम नहीं यूज किया है बिकॉज माई क्लाइंट डोंट वॉन्ट टू मच ऑफ क्रीम, ठीक है। सो अब ये जो हमारा हो गया है ये है क्रम कोटिंग इज डन। नॉर्मली जब आप घर पे बना रहे हो तो जब आपका क्रम कोटिंग हो जाएगा तो आपको उसको फ्रिज में रखना है 15 to 20 minutes, ठीक है, जस्ट चिल हो जाए। अगर आपको यू नो नॉर्मली एज अ बिगनर ये प्रॉब्लम होती है कि आप यू नो केक बनाने जा रहे हो और जब आप क्रम कोटिंग करते हो तो क्रम्स केक के निकलने लग जाते हैं, ठीक है, सो टू अवॉइड दिस जब तक आप यूज टू नहीं होते हो ना तो जब आपका केक क्रम कोट करके हो जाता है तो उसको फ्रिज में रखिएगा, नॉट इन द फ्रीजर, फ्रिज में रखिएगा 15 minutes के लिए, तो जितने भी क्रम्स निकले वो सेट हो जाए। और सिंस वी आर डूइंग अ लाइव सेशन तो मैं वेट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, तो मैं फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने अभी नॉर्मल प्लेन व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसमें क्रीम चीज हमने नहीं डाली है। सिंस इट्स अ स्मॉल केक, इट्स अ मिनी केक, तो ये यू नो फटाफट बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
Now I'm not using a scraper. अगर आप as a you know beginner है तो you get these kind of you know combs, sorry scraper, तो आप easily इसको finish दे सकते हो. अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो यू कैन ऑलवेज हैव दीज काइंड ऑफ टैग या यू नो विजिटिंग कार्ड, तो वो भी आप यूज कर सकते हो फिनिशिंग देने के लिए अपने केक को. मैं डायरेक्टली स्पैचुला पैलेट नाइफ से ही कर रही हूँ. जब आप क्रीम लगाते हो तो बहुत अच्छे से क्रीम लगाना, डोंट वरी, जितना भी एक्सेस है वो ऑटोमेटिकली जब आप टर्न टेबल को घुमाओगे तो एक्स्ट्रा जितना भी क्रीम आपने लगाया है वो निकल जाएगा, सो डोंट वरी. बट जब आप लगाओगे क्रीम तो प्लीज मेक श्योर कि कहीं से भी आपका स्पॉन्ज नजर नहीं आ रहा है. आप बहुत ही जेनरस अमाउंट तो अच्छे से आप अपना क्रीम लगा लें, ठीक है. जस्ट कीप योर पैलेट ऐसे, चिपकाना नहीं आपको केक को, हल्का सा ट्विस्ट करना है एंड जस्ट मूव योर पैलेट. सी नाउ यहाँ पर कम क्रीम लगा है. जहां पे भी आपको दिख रहा है कि आपका केक नजर आ रहा है कुछ मत करना, जस्ट एक फिर से एक लेयर क्रीम का लगा दें. One more thing, जब आप टॉप का जो आपको फाइन एजेस चाहिए रहता है ना, तो हमेशा याद रखना कि आपके पैलेट को जो है ना हमेशा क्लीन करो एंड देन यू डू द फिनिशिंग ऑन द टॉप. तो इससे क्या है, जो भी आपका क्रीम जो है पैलेट को लगा होगा ना, वो फिर से केक पर नहीं लगेगा. आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर द डोरेमोन केक्स ऑल्सो एंड डोनट्स ऑल्सो. सून यू नो मैं लाइव तो नहीं कर पाऊंगी, बट ये सारे मेक श्योर कि मैं अपने YouTube चैनल या तो फिर Facebook पर जो है ना कि YouTube पर ही ज्यादा हो तो यू नो आई पुट माय वीडियो, बिकॉज रिक्वेस्ट आई है, काफी लोगों ने मांगा है उनसे डोरेमोन केक्स एंड यू नो डोनट्स का, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ. वेरी सिंपल बट ये एलिगेंट काइंड ऑफ केक जो डेकोरेशन है, वी आर नॉट गोइंग टू डू टू मच ऑफ यू नो डेकोरेशन एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, बट नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि यू नो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल कम अप विद अ ओरिगामी केक जो आज पर बहुत ट्रेंड में है, बट येस विद अ ट्विस्टेड इट, वी विल नॉट डू इट विद अ मोल्ड और यू नो विद अ स्टेंसिल, बट येस विद अ नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम से ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यू कैन ऑलवेज डू ओरिगैमी केक विदाउट अ मोल्ड.
नाउ द केक इज डन, क्योंकि जो भी आपका साइज है यू कैन ऑलवेज क्लीन इट. नाउ सिंस हम लाइव कर रहे हैं इसलिए हम केक को फ्रिज में नहीं रख रही हूँ मैं डेकोरेट करने के पहले. इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल तो आप डेफिनेटली केक को जो है 10-15 मिनट्स के लिए फिर से आप रख सकते हो. ठीक है, तो अब जो हम करने वाले हैं ना इसपे जो है ये ऐसे आपको गोल्ड डस्ट मिलता है ठीक है इन द केक शॉप. तो अब मैं इसपे जो है I'm going to take little gold dust. Okay. अब मैंने ले लिया है gold dust. Now usually you know you can apply it on your cake or decorations. इसके साथ जो है ना आप lemon juice डाल सकते हो. But today what I'm doing, I'm just taking little water because I don't want too much. तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी इसमें sprinkle कर रही हूँ. नाउ आपका जो ब्रश है उसको लेके आपको सिर्फ केक पर इफ यू वॉन्ट तो यू कैन यूज योर हैंड ऑल्सो. मैं थोड़ा और डस्ट ले रही हूँ. पानी ज्यादा नहीं डालना है बट यस एक्चुअली यू कैन यूज अ लेमन जूस दैट्स द बेस्ट वे और यू कैन यूज अ थिनर बट राइट नाउ आई एम यूजिंग जस्ट वाटर बिकॉज मुझे ज्यादा यू नो करना नहीं है कुछ इसका. कीप इट नेचुरल जैसे आ रहा है ऑटोमेटिकली लेट इट गो. ओके आई होप यू आर बैक. सॉरी गाइस आई डोंट आई होप यू हैव नॉट मिस एनीथिंग. ज्यादा कुछ नहीं हमने शो अपना गोल्ड डस्ट था ठीक है उसके अपने केक पर जो है मैंने जस्ट उसको ब्रश से उसको स्प्रिंकल कर दिया ठीक है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम राइस केक को ही करने वाले हैं विच इज अ ट्रेंडिंग यू नो नाउ डेज डेकोरेशन इज गोइंग ऑन. सो दीज आर राइस केकर्स. These are rice papers. Okay, you get it at the shop also, the baking shop, Amazon, Flipkart, everywhere. आपको ये available है, ठीक है? तो if you want, I can always put the link for these. So इसको जो बनाने का तरीका, it's very simple. You get these round sheets, cut them as per your, you know, जैसी भी आपको design चाहिए, उस
उसको आप कलर वाटर या प्लेन वाटर में डिप करो फॉर अ मिनट एंड जस्ट कीप इट द वे यू वांट. मे बी कैन पुट अ शीट. इसका भी वीडियो में लेट मी नो इट्स कम. ओके सो गाइस सॉरी वंस अगेन आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग टुडे. आई हैव कम लाइव आफ्टर सो लॉन्ग एंड आज ही नेटवर्क इश्यू कर रहा है. बट एज आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द राइस पेपर, तो जैसे मैंने कहा कि आपको वो अमेजोन और एनी बेकिंग शॉप यू विल गेट दीज, तो इसका भी वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पर वेरी सून. बट राइट नाउ एज आई सेड वी आर जस्ट गोइंग टू डू द डेकोरेशन यूजिंग द राइस पेपर्स. सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इस सभी राइस पेपर्स को जो है ना अलग अलग कलर्स में एंड शेप्स में इसको काट लिया है, ठीक है. And I have given different colors, so whichever color you want, you can give it. अगर आपको plain रखना है तो आप plain भी रख सकते हो. Just ये जो gold dust है, silver dust है, उससे आप whichever color combination के हिसाब से आप उसको borders कर सकते हैं. So what we are going to do now, आई होप गाइज इट्स आई डेफिनेटली पुट अप अ पिक्चर ऑल्सो वंस आवर डेकोरेशन इज डन. See how it's looking. This is how the rice paper decorations are meant to be. Okay, so I've kept the cake very simple. Because my client doesn't want any colors, wanted a white cake. So I thought of why not do a decoration, definitely white par ye sare colorful. It's looking very elegant and decent. Not too much overdo nahi hai. It's very simple. So I hope guys ki aaj ka live session jo hai a little learning and aapka jo bhi queries hoga you can just always add up to your comments. I will definitely reply to all the queries and I'll make sure ki main bahut zyada jaldi jaldi live aaun aur aapko trending cakes sikhaun. So my next live video will definitely I'm working towards it. Maybe we will go for a origami cake. So very soon I'm going to be doing the live session on origami cake as well. So just make sure that you not only like, share, comment, but yes, don't forget to click on the notification button next to my page. So whenever I come, तो आपको वो notification आ जाएगा. And always share my video. So it's a learning thing. So it's good ना if you share with people, share the knowledge. तो I hope you like the today's session. ठीक है. Thank you so much for watching. Bye bye.